एथलीट्स ना अपने गेम के अलावा पैसे बनाने में काफी फेमस होते हैं, लेकिन जब उस पैसे को संभालने की बारी आती है तो कुछ ही ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो उसे संभाल पाते हैं। 2009 की स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 78% ऑफ नेशनल फुटबॉल लीग प्लेयर्स गो बैंकरप्ट या फिर वो फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करने लगते हैं विद इन 2 ईयर्स ऑफ देयर रिटायरमेंट। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वेल्दी एथलीट्स होते हैं एक टाइम पर इतने अमीर होते हैं और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पर एकदम ब्रो। सबसे पहले प्लेयर की बात करते हैं, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एथलीट्स में से एक थे। इनका नाम है माइक टाइसन। 1989 में वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट बॉक्सिंग प्लेयर थे माइक टाइसन। माइक टाइसन ने अपनी 20 साल की उम्र में 33 ईयर ओल्ड ट्रेवर बर्बिक को हराकर हैवीवेट बेल्ट जीत। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 50 मैचेस जीते जिसमें से 44 मैचेस नॉकआउट के थ्रू जीते। इस सब की वजह से वो नॉकआउट किंग की तरह फेमस हो गए। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारा पैसा, फेम, स्पॉन्सरशिप्स कमाए, लेकिन 2003 के अंदर वो ये सब खो बैठे। 2003 में उन्होंने बैंकरप्सी फाइल करी जहां पर उनको एक लॉस था $300 मिलियंस का, साथ ही साथ वो $23 मिलियन के कर्जे में थे। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने अपने पूरे करियर में स्पॉन्सरशिप्स, फेम और कॉम्पिटिशन से अप्रोक्सीमेटली $430 मिलियन कमाए, वो कैसे सारा पैसा खो बैठा। सबसे पहला पेट टाइगर्स। माइक टाइसन को टाइगर्स बहुत पसंद थे एंड एज अ रिजल्ट ही ओन 3 बंगाली व्हाइट टाइगर्स। एक बंगाली टाइगर की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $60,000 थी, साथ ही साथ उसकी डाइट और मेंटेनेंस का खर्चा $70,000 था। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने एक एनिमल ट्रेनर भी हायर किया अपने टाइगर्स के लिए जिसको उन्होंने इतने पैसे दिए। माइक टाइसन ना कुछ भी नॉर्मल नहीं करते थे, तो उनके गिफ्ट्स भी एबनॉर्मल ही होंगे। उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को गोल्ड का बाथटब गिफ्ट किया जो कि 24 कैरेट गोल्ड से बना था, जिसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट $2.2 मिलियन थी। लैविश और लग्जूरियस घर सेलिब्रिटीज के लिए एक आम सी बात है, और माइक टाइसन को भी 2-4 घर तो चाहिए ही थे अपना सामान रखने के लिए। उनके पास एक जॉइंट मैंशन था कनेटिकट में जिसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट इतनी थी। एंड यही नहीं, ही हैड लव फॉर पिजन्स एज वेल, और कबूतरों को पेट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली उन्होंने $400,000 स्पेंड करे। अपने 30th बर्थडे पार्टी को उन्होंने एक्सट्रीमली लैविश बनाया और उस पर उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ खर्च करे। डिटेल्स तो मुझे नहीं मालूम बर्थडे की, पर 3 करोड़ समझ कर ही शादी से एक बड़ा इवेंट समझ आ रहा है। और इन सब डिसीजंस की वजह से माइक टाइसन बैंकरप्ट। वॉरेन बफेट का वो फेमस कोट तो सुना ही होगा, व्हेन यू स्पेंड ऑन थिंग्स दैट यू डोंट रिक्वायर यू सून हैव टू सेल थिंग्स दैट यू रिक्वायर। और शायद माइक टाइसन के साथ भी वही हुआ। Although he was fortunate enough, उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल दिया, उन्होंने एक बिजनेस खोला, he became a successful businessman, लेकिन आज भी उनकी नेटवर्थ उस टाइम से कम है। जो नेक्स्ट प्लेयर है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉकर प्लेयर रह चुके हैं। He was considered as world's best soccer player in 1980s. He is Diego Maradona. Diego Maradona ने considerable wealth कमाई through playing soccer and he used to get a lot of money from endorsement. वो काफी सारे famous brands जैसे Puma, Hublot, Coca-Cola के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। उन्हें अप्रोक्सीमेटली $3 मिलियन नेपल्स से आते थे एज अ सैलरी एंड 8 से 10 मिलियन उन्हें एंडोर्समेंट से मिलते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ है ना, उसकी डबल थी उनकी नेटवर्थ उस टाइम पर। एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने जितना ये पैसा अपने करियर में कमाया ना, वो सब वो धीरे धीरे खो बैठे। इस सब का रीजन था टैक्स इवेशन। माराडोना फेमस थे टैक्स चोरी करने के लिए, इसकी वजह से उन्हें 2009 में इटालियन अथॉरिटीज ने सीज किया एंड उनसे डिमांड किए अप्रोक्सीमेटली $54 मिलियन। यही नहीं, 2009 में उनसे इयर रिंग्स का पैर सीज किया गया जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 लाख थी। उससे 3 साल पहले यानी 2006 में उनसे 2 रोलेक्स वॉच भी सीज की गई जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10,000 यूरो थी, यानी अप्रोक्सीमेटली 8-9 लाख रुपए। उससे 3 महीने पहले उन्हें इटालियन अथॉरिटीज ने सीज भी किया बिकॉज ऑफ कोकेन। कोकेन और टैक्स इवेशन मिलकर उनके लिए एक्सट्रीम प्रॉब्लम बन गए और उनकी पॉकेट पर काफी भारी पड़े। ऑल्दो डिएगो ने कंसिस्टेंटली ये चीज को डिनाई किया दैट ही हैड एनी ड्रग प्रॉब्लम, लेकिन इन सब के चलते उनकी पॉकेट और उनके फाइनेंसेस काफी हर्ट हुए।
तो आप इन दोनों एग्जाम्पल से क्या सीख सकते हो? नंबर वन, ग्रीड। जैसे जैसे एथलीट्स काफी फेमस और अमीर हो जाते हैं, उनको लग्जरी की आदत पड़ जाती है, दे गेट एडिक्टेड टू इट। जिस घर में वो रह रहे हैं वो अब उन्हें छोटे लगने लगता है, वो गाड़ी कम लग्जूरियस होती है और एक नहीं कभी कभी तो बहुत सारी गाड़ियां चाहिए होती है, घर नहीं बंगलोस चाहिए होते हैं, फ्लैट्स नहीं बड़े बड़े अपार्टमेंट्स चाहिए होते हैं। एंड ये सब धीरे 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 गिफ्ट्स और उनके लाइफस्टाइल पर भी आता है। ये सिर्फ प्रो एथलीट्स के साथ नहीं बट हमारे साथ भी है। कहीं ना कहीं कभी हमारी पॉकेट मनी या सैलरी बढ़ जाती है तो हमें लगता है हम एक्सट्रीम खर्चे कर सकते हैं, अब वो एक्सपेंसिव फोन खरीद सकते हैं या वो एक्सपेंसिव बैग ले सकते हैं। लेकिन स्पेंडिंग और सेविंग्स साथ के साथ होती हैं, इन्वेस्टिंग भी की जाती है, तो आप अपने फाइनेंसेस को काफी अच्छे से मैनेज करते हो। लेकिन हमने देखा ये दोनों एथलीट्स के केस में नहीं था एंड ऑफ्टन हम भी करना भूल जाते हैं। सेकेंड चीज है पुअर फाइनेंशियल नॉलेज। अगर दोनों के पास इक्विप्ड फाइनेंशियल नॉलेज होती तो वो अपने इतने सारे पैसे को अच्छे अच्छे एसेट्स में लगाते। लेकिन एसेट्स तो छोड़ो, उन्होंने अपना पैसा लाइबिलिटीज में लगाया। जैसे एक ने गोल्ड का बाथ टब ले लिया तो दूसरे ने रोलेक्स वॉच ले। इस सब के चलते पुअर फाइनेंशियल नॉलेज ने उन्हें एड ऑन किया। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज और अपने पैसे को लाइबिलिटीज की जगह एसेट्स में डालना इनफ है। एंड अगर आपको जानना है कि आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज कैसे एनहांस करते हो तो हमें कॉमेंट में जरूर बताना। और तीसरी और आखिरी चीज जो आप यहाँ से सीख सकते हो, स्मॉल अर्निंग विंडो। हमें पता है एथलीट्स की जो अर्निंग कैपेसिटी या अर्निंग टाइम होता है वो काफी शॉर्ट लिव्ड होता है, लेकिन उस शॉर्ट लिव्ड टाइम में ही वो काफी सारा पैसा कमा लेते हैं। बहुत सारे इंडियन एथलीट जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने अपनी शॉर्ट अर्निंग विंडो को ही अच्छे से यूज करके अपने फाइनेंसिस को बड़ा किया। लाइफ में फाइनेंशियल ब्लंडर्स और डेट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और साथ के साथ एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी रखना जरूरी है। सो स्टार्ट सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड लर्न टू मैनेज योर फाइनेंस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।